हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 का। ये हमारा कौन सा है, भाग 2 पार्ट 2। ये कौन सा हमारा है, हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेशों से वस्त्र तक। उसमें हमने पढ़ा था कि जो भेड़ों से ऊन मिलते हैं, भेड़ों से जो हमें उनके बाल मिलते हैं, उनको ऊन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उनसे स्वेटर कैसे बनाया जाता है, और प्रक्रिया स्वेटर बनाने में कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, कि ऊन कैसे बनता है, फिर ऊन से स्वेटर कैसे बनता है। ऊन बनाने की प्रक्रिया हमने पीछे पार्ट 1 में पढ़ा था। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, रेशम कीट के बारे में। क्योंकि रेशम क्या होता है, एक हमारा रेशमी वस्त्र होता है। हम नॉर्मल दुकान पे हमें वस्त्र मिलता है रेशमी वस्त्र, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, बहुत ही महंगा वस्त्र होता है। और ये बनता कैसे है, कैसे ये इसकी प्रोसेस है, ये आता कहाँ से है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मामूली से क्या होता है, नॉर्मली से अगर हमें रेशम का वस्त्र लेना हो तो हम जाके दुकान पे क्या करेंगे, रेशम का बोलेंगे, हमें रेशम का वस्त्र दे दो, तो हम ले लेंगे। बहुत ही उच्च क्वालिटी, मतलब महंगा होगा थोड़ा सा और बहुत ही मुलायम, बहुत ही पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बट हमने क्या कभी सोचा कि ये रेशम बनता कैसे है। इसमें हम उसको एक एक पूरे स्टेप्स को पढ़ेंगे कि रेशम बनता कैसे है, वो आता कहाँ से है। ये आता कहाँ से है, रेशम का एक कीट होता है। क्या होता है, कीट मतलब रेशम का एक कीड़ा होता है, जो कि वो रेशम क्या देता है, वो अब उसी पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। इसका हमने पूरे रेशम कीट का पूरा जीवन चक्र बनाया है। रेशम कीट का ये जो जीवन चक्र यहाँ से शुरू होता है, रेशम कीट से। रेशम कीट मतलब आम भाषा में इसे हम तितली भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, रेशम का कीट है। और ये किस पेड़ पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, रेशम की खोज जो है किस देश में हुई थी, चीन देश में, जिसे क्या कहते हैं, चाइना देश में हुआ था। ठीक, चीन देश में हुआ था। अब इसकी एक एक स्टोरी है कि एक राजा थे, वो एक अपने ग्राउंड में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, मीन्स चाय या कॉफ़ी से उनके प्याले में एक कीट गिरा और उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद, तो गिरते ही क्या से उबलने लगा, मीन्स जब उसका वो अंडा वो गिरा, ये इसका ये अंडा उसमें जब उनके चाय में गिर गया, क्या हुआ, ऐसे उबलने लगा। उबलने का मतलब से सफ़ेद सफ़ेद देखने लगा। तो वहीं से उसकी खोज हुई चाइना देश में। चाइना ने इसे बहुत दिनों तक छुपाए रखा, फिर ये धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल गया। फिर अब क्या है कि अब रेशम का पालन किया जाता है। तो हम इनका देखते हैं जीवन चक्र, अभी उसके पालन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशम का कीट क्या होता है, ये मलबरी प्लांट, मलबरी प्लांट मीन्स होता है सहतूत के पेड़ पे ये पाया जाता है, मीन्स इसे जहाँ इसका पालन भी उसी पे किया जाता है और ये सहतूत के पेड़ पे पाया जाता है। तो ये रेशम का कीट क्या होता है, तो सहतूत की पत्तियों पे अंडा देते हैं। अंडे देने के बाद ये क्या, सहतूत की पत्तियों क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो सहतूत की पत्तियाँ होती हैं मलबरी प्लांट की, उसको ये खाते हैं। और क्या है, एक बार में ये 100 से भी ज़्यादा अंडे देते हैं, 100 से भी ज़्यादा अंडे एक बार में। ये क्या है, ये जैसे क्या हुआ, रेशम का कीट ने क्या पत्तियों के ऊपर अंडा दिया, अंडे देने के बाद ये क्या हुआ, ये पत्तियों को 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, 4 से 6 हफ्ते एक स्टेज से, मतलब रेशम का कीट का जो जीवन चक्र है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए इन्हें 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। ये कीट क्या करता है, पूरी पत्तियों को खाते खाते बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद ये अपने ऊपर लार्वा मीन्स एक सफ़ेद रंग का आवरण होता है, सफ़ेद रंग का क्या होती है, कवर होती है। किस कलर की, सफ़ेद, मीन्स व्हाइट कलर का एक आवरण होता है, जो कि वो धीमे धीमे ऐसे लसदार पदार्थ होता है। लसदार कैसा पदार्थ होता है, लसदार पदार्थ जैसे ऊपर जनरेट करते 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 क्या, एक ऐसे बड़ा सा शेप ले लेता है। यही बड़ा सा शेप क्या, कोया या कोकून कहलाता है। अब यहाँ पर रुकिएगा, अब यहाँ पर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, रेशम का एक कीड़ा। अब जो व्यापारी होते हैं इंडिया, हमारे देश में इंडिया में क्या होता है, रेशम का इसका पालन किया जाता है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में पालन किया जाता है, साउथ में हम नीचे आएंगे तो तमिलनाडु कर्नाटका में पालन किया जाता है, असम में पालन किया जाता है, बंगाल में। तो क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो इनको पालते हैं, जो किसान होते हैं, इनको जो पालते हैं फार्मर्स, वो रेशम कीट को तो ये सारे पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। वो अपना पूरा ऐसे स्थान बना रखते हैं, रेशम कीट को लेते हैं और उसमें उनको क्या कहते हैं, सहतूत की पत्तियाँ देते हैं, खिला खिला के बड़ा करते हैं। बट उनमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया होती है, मतलब ये पूरा बड़ा सा आवरण बना लेता है अपना, तो वो करते हैं उसको ले जाके बेच देते हैं। और नॉर्मल क्या होता है कि अगर वो ना बेचो तो ये क्या होगा, इसमें से रेशम तो निकलेगा, बट रेशम से फूट के उसका रेशम का कीड़ा, इसमें से जो रेशम निकलेगा वो उच्च क्वालिटी का, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं होगा, उच्च क्वालिटी का नहीं होगा एज़ उसकी इसकी तुलना में। जैसे यहाँ से जो अंडा निकला उसको डायरेक्ट बेच दिया जाता है, फिर वो पानी में उबाला जाता है। पानी में उबालने के बाद उसमें उसमें जो अनवांटेड चीज़ें, मतलब जो गंदगी रहती है वो छूट जाती है, चिकने पदार्थ, फिर उससे क्या निकलता है, वहाँ से रेशम निकलता है। तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो पालन करते हैं वो कुछ रेशम के अंडे को छोड़ के मैक्सिमम वो मुख्यतः पूरा बेच देते हैं, और उसमें जो छोड़ देते हैं
इसमें यह है कि एक रेशम क्या करता है, इस 100 से ज़्यादा अंडे देता है तो कुछ को वो क्या, जैसे जैसे 100% में उन्होंने 90% को बेच दिया, 10% की को क्या कर दिया, अपने पास रख लिया, फिर से यही 10% एक क्या देगा, 100 से ज़्यादा अंडे देगा, तो यही 10% क्या हुआ, घूम के फिर से यही प्रक्रिया हुई। और नॉर्मल क्या होगा कि जैसे शहतूत के पेड़ पर अगर कोई रेशम है तो क्या करेगा वो, यही यह प्रक्रिया के बाद वो उसे फूट के निकल जाएगा, उसके अंडे से वो ये रेशम का कीट निकल जाएगा और वहाँ से रेशम निकल जाएगा। बट ये रेशम ज़्यादा उसकी तुलना, इसकी जो व्यापारी डायरेक्ट बेच के पानी में उबाल के जो रेशम निकालते हैं, मतलब उसमें रेशम कीड़े क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो वो रेशम ज़्यादा अच्छा होता है, उससे जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि रेशम से कौन कौन से वस्त्र बनते हैं, थोड़ा सोचिए आपने रेशम का कौन कौन सा वस्त्र खरीदा था, दिमाग लगाइए। अभी लास्ट में हम इसका जवाब देते हैं, इससे क्या क्या वस्त्र बनते हैं। तो ये मुख्यतः क्या रहा, रेशम कीट का जीवन चक्र। इनका जीवन चक्र कैसे शुरू हुआ, रेशम कीट ने क्या किया, सबसे पहले अंडा दिया, अंडे से क्या किया, इसने 4 से 6 हफ्ते तक क्या किया, इस पत्ती को खाया, 4 से 6 हफ्ते तक। किसकी पत्ती को, मलबरी प्लांट में शहतूत के पेड़ की पत्ती को खाते हैं। फिर खाने के बाद वो सफ़ेद रंग का एक आवरण, मीन्स कवर, एक खोल अपने ऊपर बना लेते हैं, उससे अपने आप को ढक लेते हैं, ये पूरा कवर हो जाता है। फिर इसका जब समय कंप्लीट हो जाता है, मीन्स इसका जो कीड़ा तैयार बन के तैयार हो जाता है, तो ये फट के क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। और यही क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं वो थोड़ा अलग करते हैं, वो क्या करते हैं, शहतूत के इनका जैसे इसने अंडा दिया रेशम के कीट ने, ये अंडे को क्या करेंगे, एक स्थान पे पूरा रख लेंगे और शहतूत की पत्तियां देंगे। 4 से 6 हफ्ते बाद वो खुद ही समय समय पर अपना बना के रखते हैं कि वो अपने जहाँ उन्हें पालन करना है उस बड़ा सा उनका स्पेस रहता है, वहाँ पे अंडे रखते हैं, फिर शहतूत की पत्तियाँ दी जाती हैं, वो 4 से 6 हफ्ते तक खाते हैं, फिर धीमे धीमे बड़े होते रहते हैं। बड़े होने के बाद इस अवस्था में आते हैं, तो वो उसको अंडे को क्या करते हैं, जो किसान होते हैं जो रेशम कीट का पालन करते हैं, वो व्यापारी को बेच देते हैं, या जो पालन करते हैं वो कुछ होते हैं, वो खुद ही रेशम बनाते हैं पालन के बाद, वो उसको लेकर के पानी में डाल करके रेशम को निकाल लेते हैं। तो ये रही प्रक्रिया रेशम के पालन की। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशम से बनते क्या क्या हैं। रेशम से पहला हमारा बनता है रेशमी वस्त्र, बहुत ही मुलायम वस्त्र होता है, बहुत ही महंगा होता है वस्त्र में, और इसे घाघरा चोली बनता है, शेरवानी बनती है, पैरासूट बनता है, और ऑपरेशन थिएटर में जो टाँके इस्तेमाल किए जाते हैं मरीज को लगाने के लिए, वो भी रेशम के धागों से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा रेशम का क्या, जीवन चक्र मीन्स रेशम का लाइफ सर्कल। ये बहुत ही इजी है, ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब इस ये रेशम के कीट से अंडे यहाँ बताता है, यहाँ तक पहुँचता है, अंडे से लेकर यहाँ तक यहीं पर चेंज होता है। जो व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, रेशम को अंडे को पानी में उबाल करके रेशम निकाल लेते हैं, और यहाँ नॉर्मल पेड़ पे क्या होता है, रेशम फट के अपना कीड़ा बन जाता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए ज़रूर, क्योंकि साइंस करता है, आओ करके सीखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।